तो चलो यार, सबसे पहले शुरू करते हैं एफसी गोवा के जो टीम शीट है, यानी कि कौन कौन से प्लेयर्स जो हैं वो खेलने वाले हैं उनको लेके, और खासकर जो है जो 3+1 रूल के हिसाब से जो फॉरेनर्स खेलने वाले हैं इस टीम में, कौन कौन से सिलेक्ट हुए हैं इसके बारे में देखते हैं। आ जाइए। तो सबसे पहले टीम शीट अगर हम लोग देखेंगे तो गोलकीपर्स देखिए, हमारे पास मोहम्मद नवाज, शुभम दास, नवीन कुमार और धीरज सिंह है। तो हम लोगों को पता है नॉर्मली जोआन फर्नांडो जो है वो आईएसएल के लिए सेकेंड हाफ में धीरज सिंह को काफी ज्यादा उन्होंने प्रेफरेंस दी थी, और आई हाँ, उनको सुकून प्रैक्टिस टाइम दे रहे थे ताकि जो चैंपियंस लीग टाइप का जो टूर्नामेंट है उस पर अच्छा परफॉर्म कर पाए, कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाए। वो गलतियां कर रहे थे फिर भी उनको चांस दिया गया, बहुत सारे अच्छे सेव भी निकाले धीरज ने, और मेरे ख्याल से उनको चैंपियंस लीग में भी चांस देना चाहिए। और आ जाते हैं अब डिफेंडर में, जो कि है सैंसर परेरा जो कि न्यू साइनिंग है, और आइबनबा डोहलिंग है, सेरिटन फर्नांडेज है, मोहम्मद दली है, सेवियर गामा है, और लियांडर डिकूना है, और साथ साथ आदिल खान है। तो ये सारे हमारे इंडियन डिफेंडर्स हैं। उनके साथ जो दो फॉरेनर्स ऐड हुए हैं 3+1 के, एक फॉरेनर जो कि हुए इवान गोंजालिस, और उसके साथ जो +1 यानी कि एशियन फॉरेनर का जो पोजीशन है वो लिया है यहाँ पे जेम्स डोनाची ने। तो ये दो प्लेयर गाइस डिफेंडर में जो है फर्नांडो ने डिफेंस को मजबूत करने की कोशिश की है, इवान गोंजालिस को लिया है और साथ ही साथ जो है डोनाची को लिया है। तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी सोच, क्योंकि एएफसी चैंपियंस लीग जैसे टूर्नामेंट में आपकी डिफेंस तो 100% सॉलिड होनी चाहिए, और इसलिए फर्नांडो के डिसीजन काफी अच्छा मैं बोलूंगा, और अच्छा उन्होंने सिलेक्शन किया है डिफेंस में। और मिडफील्डर में यहाँ पे जो एडुबेडिया खेल रहे हैं, और पहले ही एडुबेडिया यहाँ पे मैं बोल देता हूँ जो कि फॉरेनर, एज अ फॉरेनर खेलेंगे, तो मिडफील्डर के एक फॉरेनर यहाँ पे, मतलब कि आपको दो वहाँ पे फॉरेनर चले गए डिफेंडर में, एक यहाँ पे एडुबेडिया जो है वो भी डिफेंडर मिडफील्डर में, माफ करिएगा, जो कि अपना जगह बना चुके हैं, फ्लाइंग रोल रहता है, कप्तान है टीम के, तो एडुबेडिया का तो रोल रहना ही था। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है फ्रांकी बुआम, ये भी एक नया साइनिंग है, अमरजीत है, ग्लेन मार्टिन्स है, रिडीम तलांग है, रोमियो फर्नांडेज है, प्रिंस्टन रेबोलो है, और मकान विंकुल है, ब्रैंडन फर्नांडेज है, साथ ही साथ एलेक्जेंडर रोमारियो, जेसुराज है। तो मैं बोलूंगा कि ये सभी नाम जो है काफी ज्यादा अच्छे हैं। आपको एक नया नाम दिखेगा रोमियो फर्नांडेज, जो कि बहुत पुराना है एफसी गोवा का प्लेयर है, और उनको सिलेक्शन किया गया है इस बार एएफसी चैंपियंस के लिए, इनको जो है मौका दिया जा रहा है, और आई होप सो कि रोमियो अपना पुराना फॉर्म जो है वो दिखा दे और मज़ा ही आ जाए। तो फिर उसके बाद में जो यहाँ पे जो मिडफील्ड में जो आपको जो नहीं नज़र आ रहा होगा ना, वो आपको नोगवेरा नाम नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि वो बंदा जो है हाईएस्ट असिस्ट इस सीज़न का आईएसएल का, उसको सेलेक्ट नहीं किया है। हाँ, क्योंकि जो है सिर्फ चार फॉरेनर्स आप खिला सकते थे, तो जोआन फर्नांडो ने एडुबेडिया को सिलेक्ट किया, क्योंकि जो है आपको बॉल नीचे से लेकर ऊपर तक बिल्डअप करने का काम जिस प्लेयर का होता है वो एडुबेडिया करता है, कप्तान है उस टीम का, और कहीं ना कहीं नोगुएरा को इसलिए वो जगह नहीं मिली, और वो नोगुएरा का जो फिलअप है वो कहीं ना कहीं ब्रैंडन फर्नांडस को करना होगा, और बहुत अच्छा मौका है ये एक इंडियन प्लेयर के लिए, एक इंडियन इंटरनेशनल प्लेयर के लिए, कि जो है आप एक ऐसे जगह को फिलअप कर रहे हैं जो कि काफी इस सीजन का आईएसएल का जो है हाईएस्ट असिस्ट वाला पोजीशन है। तो यही है, सिलेक्शंस अच्छी है और आई होप सो कि वर्क भी करेगी अच्छी। हम लोग आगे जो है लाइनअप्स देखेंगे, हमारी प्रिडिक्टेड लाइनअप देखेंगे, उसमें देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो बिठा सकते हैं, नॉर्मल किस तरीके से खेल सकते हैं। अगला आ जाते हैं हमारे फॉरवर्ड्स में, और हर बार की तरह यहाँ पे जो है आपको पहले इंडियन नाम देवेंद्र मुर्गावकर, ईशान पंडिता, दो इंडियन फॉरवर्ड्स, और साथ ही साथ जॉर्ज ओटिस मेंडोजा, यानी कि जो है ओटिस हमारे फोर्थ एंड फाइनल जो है फॉरेन प्लेयर हैं यहाँ पे एफसी गोवा के लिए। और यहाँ पे जो है मैं बोलूंगा कि अंगुलो और ओटिस में मैं बोलूंगा ओटिस का सिलेक्शन काफी बढ़िया, वो बॉल को लाइक काफी ट्रेवल करते हैं, और आप बहुत कोई अंगुलो को कंपेयर कर रहे थे कोरो से, कोरो की कमी खलने नहीं दी गई, लेकिन मैं बोलूंगा कि कोरो की कमी एक्चुअली कोरो की कमी, बूमोस की कमी, ये दोनों की कमी जो है वो ओर्टिज ने काफी हद तक जो है संभाली थी, क्योंकि कोरो जो थे वो काफी बॉल के बिना भी काफी ज्यादा मूवमेंट किया करते थे, जो कि अंगुलो का बहुत ही कम है। तो इस मामले में मैं बोलूंगा कि ओर्टिज बहुत बढ़िया सिलेक्शन है।
और साथ ही साथ ईशान पंडिता जो है वो कंपेयर करूंगा अंगुलों के साथ में उनका, तो उन सेम बहुत ज्यादा बॉल बिना बॉल के उतना ज्यादा मूवमेंट नहीं रहता है, बॉल जब डाली जाती है बॉक्स के अंदर तब काफी मूवमेंट नजर आता है, तो ईशान पंडिता जो है वो अंगुलों का रोल निभा सकते हैं। देवेंद्र मोरगांवकर वहीं पे जो है वो भी जो है काफी मेहनती प्लेयर है, बॉक्स के अंदर हो या फिर बाहर हो विदाउट बॉल भी जो है काफी ज्यादा प्रेसिंग वगैरह करते हैं, बॉल के बिना काफी मूवमेंट दिखाते हैं, तो ये मैं बोलूंगा कि परफेक्ट सिलेक्शन मैं बोलूंगा एफसी गोवा के कोच हेड कोच जोआन फर्नांडो द्वारा। और इसके बाद जो है चलिए जो स्टार्टिंग 11 है उसके ऊपर नजर डालते हैं। हाँ तो ये रहा हमारी स्टार्टिंग 11, हर बार की तरह एफसी गोवा जो है हमेशा कंफर्टेबल रहती है आपकी 4-3-3 पे, काफी ज्यादा कंफर्टेबली खेलती है और अटैकिंग टाइप ऑफ फुटबॉल खेलती है, तो 4-3-3 फॉर्मेशन काफी बढ़िया रहता है उनके लिए। तो धीरज जो है उनको मैंने भी सिलेक्ट किया है यहाँ पे, साथ ही साथ जो है लेफ्ट बैक की पोजिशन में सेवियर गामा, हर बार की तरह काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस, और आई होप सो कि अगर कंटिन्यू रखते हैं वो इस टाइप का परफॉर्मेंस तो जल्दी ही हमें नेशनल टीम में भी नजर आएंगे। और साथ ही साथ हमारे डोनाची आ जाते हैं सेंटर बैक में, उनका जो साथी मांगेंगे इवन गोंजालिस, बेहतरीन बेहतरीन परफॉर्मेंस, और यहाँ पे जो है सेरिटन आ जाएंगे हमारे राइट बैक के पोजिशन में। तो ये चार जो है यहाँ पर जो है इंटरचेंज हो सकता है, यहाँ पे जो है आपको सब्स भी नीचे नजर आ रहे हैं, सब्स में मैंने जो है यहाँ पे गोल कीपर में खासकर यहाँ पे फिलहाल नवीन को रखा है क्योंकि नवाज डाउटफुल है, डाउटफुल है। और आपको क्या लगता है, लाइक नवाज को खिलाना चाहिए या फिर नवीन को खिलाना चाहिए या फिर धीरज के जगह नवाज को खिलाना चाहिए, आप लोग जो है एफसी गोवा के फैंस आपको क्या लगता है वो जरूर एक बार कमेंट डाउन करिएगा और मुझे बताइएगा, आपके थॉट्स शेयर जरूर करिएगा कमेंट में। और यहाँ पे जो है सेंटर बैक में अगर इंडियन डिफेंडर चाहिए होगा तो दोनाची के जगह पे यहाँ पे आदिल मोहम्मद दिली या फिर सरीटन के जगह हमने देखा था कि जब सरीटन घायल हुए थे तो डिकूना को लेके आया गया था, अमरजीत हैं जो कि मिडफील्ड संभाल सकते हैं। मिडफील्ड के बारे में पहले स्टार्टिंग 11 में आते हैं, यहाँ पे ग्लेन मार्टिन्स यहाँ पे जो है वो साथ निभाएंगे, एडु बेड़िया का कमाल के प्लेयर, बहुत ही बेहतरीन शॉट लगाया था और गोल लगा था अपना, काफी लॉन्ग रेंज था। और यहाँ पे मिडफील्ड 10 नंबर की जर्सी में यहाँ पे जो है ब्रैंडन फर्नांडेज अपना काम करते हुए नजर आएंगे आपको, जो कि यहाँ पे जो है कमी खलने नहीं देंगे, मुझे बिल्कुल 100% गारंटी है कि नोगवेरा का और हमें एक इंडिया जो है ब्रैंडन फर्नांडेज जो कम देखने को मिला है एसएल में वो और भी ज्यादा देखने को मिलेगा यहाँ पे चैंपियंस लीग में। उसके साथ मैंने यहाँ पे रिडीम तलांग को रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है विंगर के पोजीशन में, लेफ्ट विंग के पोजीशन में, साथ ही साथ यहाँ पे राइट विंग के पोजीशन में जेसुराज को रखा है और सेंटर फॉरवर्ड में यहाँ पे ओटिस को रखा है, तो यहाँ पे एक चेंजेस हो सकता है, आप ओटिस को जो है वो लेफ्ट विंगर में डाल सकते हैं और यहाँ पे सेंटर फॉरवर्ड में देवेंद्र को स्टार्टिंग में या फिर जो है ईशान पंडिता को भी आप ट्राई कर सकते हो फ्रॉम द स्टार्टिंग 11। तो कुछ जो है फॉर्मेशन इनके ट्रेनिंग ग्राउंड से जो है मतलब बेस्ट 11 जो है जोआन फर्नांडो को ट्रेनिंग ग्राउंड में पता चल रही होगी, अभी मैं तो जस्ट क्या बोलो रैंडमली एक बोल रहा हूँ कि ये हो सकता है, लेकिन ट्रेनिंग में पता चल रहा होगा कि क्या फॉर्मेशन और क्या जो है स्टार्टिंग 11 रह सकता है, तो जब मैच स्टार्ट होगा तभी पता चलेगा हम लोग को। वैसे जो फर्स्ट जो मैच है वो अल रयान जो है एससी उसके द्वारा उसके साथ जो है एफसी गोवा का मैच होने वाला है 14 तारीख को, या तो 14 तारीख को बने रहिएगा डिस्कॉर्ड में आ जाइएगा, लाइव आपको टेलीकास्ट मिल जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पे लाइव कमेंट्री भी आपको मिल जाएगी। तो मिलेंगे गाइज, सिर्फ 4 दिन बाकी हैं, 10 तारीख ऑलरेडी हो चुका है यहाँ पे, और आई होप सो कि मैं वीडियो भी जल्दी अपलोड कर दूँ, तो मिलते हैं आप लोग को 14 तारीख को लाइव स्ट्रीम में। और साथ ही साथ अगले ओपोनेंट के बारे में बात करेंगे, ट्रांसफर्स बहुत सारे बाकी हैं उनके बारे में भी बात करना है, थोड़ा सा आलसी हो गया हूँ मगर आप लोग सपोर्ट करोगे, मोटिवेट करोगे और लाइक और सब्सक्राइब करते रहोगे यार तो मोटिवेशन मिलता रहेगा, तो ऐसे ही बने रहो, सोशल मीडिया में जरूर फॉलो कर लो हम लोग को, बातें करो यार, जब कंटेंट नहीं आता है ना तो आप लोग से बातें करना बंद हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, अकेला अकेला सा लगता है, तो क्या बोलते हैं जरूर से जरूर सोशल मीडिया में आओ बातें करो, डिस्कॉर्ड में यार बहुत सारे अपडेट देता रहता हूँ, डिस्कॉर्ड में भी जल्दी से ज्वाइन कर लो। और तो यहीं पे खत्म करते हैं, और एफसी गोवा को बहुत बहुत बड़ा यहाँ पे ऑल द बेस्ट मैं बोलना चाहूंगा, और एफसी गोवा फैंस यार और सभी इंडियन जो मैं बोलूंगा फुटबॉल फैंस जो हैं वो प्लीज एकजुट हो जाइए और एफसी गोवा को भरपूर सपोर्ट करिए, एशियन चैंपियंस लीग और एएफसी कप भी आने वाला है तो उसके बारे में बात करेंगे, मगर एएफसी कप और एएफसी चैंपियंस लीग जो भी हमारे व्यूअर्स हैं आप अगर आप लोग को नहीं पता होगा कि क्या डिफरेंस है तो मैं एक वीडियो टैग कर दे रहा हूँ, आप यहाँ
हाँ ऊपर में, हाँ ऊपर होगा एक लिंक आएगा, उसको जरूर क्लिक करिए और वहां पर से आप जो है देख सकते हैं कि AFC चैंपियंस लीग और AFC कप में एक्चुअली है क्या ये दोनों। ज्यादा कुछ नहीं है, वीडियो आप देख लीजिए तुरंत पता चल जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे खत्म करता हूँ आज का वीडियो, काफी लंबा हो गया मुझे पता है, बट क्या करें, आप लोग से बातें करता हूँ तो वक्त का पता ही नहीं चलता है, थोड़ा क्लेशे हो गया, बट बहुत बहुत शुक्रिया और मिलूंगा फिर अगले किसी वीडियो में। चेस टू फुटबॉल।